Hello viewers, my name is Yash and you are watching Sporttex. तो दोस्तों आकाश चोपड़ा ने बहुत ही बड़ा शॉट लिया यहाँ पे बेन स्टोक्स और राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम पे, जानेंगे कैसे। साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे क्या ऋषभ पंत आइडियल रिप्लेसमेंट है फॉर MS धोनी, अबू धाबी T10 लीग से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है, ब्रेड हॉक का क्या मानना है अबाउट दिनेश कार्तिक, और दोस्तों अपनी मेजर स्टोरी में बात करेंगे क्या रहाने को हम देख सकते हैं दूसरी IPL टीम के लिए खेलते हुए मिड सीजन के बाद। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा गाइज, इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो और अपडेट मिस ना करें। तो इसी के साथ दोस्तों चलते अपनी पहली स्टोरी पे, बात कर लेते हैं बेन स्टोक्स के बारे में और कैसे आकाश चोपड़ा ने बहुत ही बड़ा शॉट लिया यहाँ पे बेन स्टोक्स और पूरे राजस्थान की टीम पे। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने शॉट लेते हुए ये कहा कि बेन स्टोक्स एक नॉर्मल इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि बेन स्टोक्स आएंगे और आपकी टीम में बहुत बड़ा एक बैलेंस आ जाएगा तो वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे कैसे फॉर्म में चल रहे हैं बेन स्टोक्स, कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें जो यहाँ पे आएंगी जिसके चलते हमें पता चलेगा राजस्थान आगे जाके कैसा करती है। बट स्टिल यहाँ पर उन्होंने पूरी टीम पे शॉट लिया। अब आप देखो, उन्होंने बोला कि आप देखो कि पूरा मिडिल ऑर्डर राजस्थान का कहीं ना कहीं लैक कर रहा है वो पावर, बैटिंग पावर जो होना चाहिए। तो ऐसे में अगर बेन स्टोक्स आ भी जाते तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो फायर पावर उतना मिल जाता है। कैसा बेन स्टोक्स का फॉर्म रहता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में उन्होंने ये बोला कि बेन स्टोक्स कोई भगवान नहीं है कि जो कि आपकी टीम में आएंगे और ऑल ऑफ ए सडन आपकी टीम जो है बहुत ऊपर चल जाएगी पॉइंट्स के टेबल में। तो कुछ इस तरह से उन्होंने शॉट लिया और पूरे राजस्थान की टीम को भी क्रिटिसाइज़ किया कि अगर उन्हें और मैचेस जीतने हैं तो सारे प्लेयर्स को परफॉर्म करना होगा, वो इंडिविजुअली सिंगल प्लेयर पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। बढ़ते गाइज अपने नेक्स्ट स्टोरी में, बात कर लेते ऋषभ पंत के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। यहाँ पे होता क्या, संजय बांगर जो कि फॉर्मर इंडिया के बैटिंग कोच रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि कैसे ऋषभ पंत जो है वो आइडियल रिप्लेसमेंट है फॉर MS धोनी। अब उन्होंने गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो एक जो मेजर चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि अभी अगर आप देखते हो इस टाइम पे तो कोई भी विकेट कीपर बैट्समैन धोनी के बाद कोई भी नहीं है एलिजिबल जो इंडिया टीम में ले सके। और आपको पता ही है कि धोनी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे में जो है ऋषभ पंत जो है नंबर वन कंटेंडर है इस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं वो डिज़र्व करते हैं। और ये टीम मैनेजमेंट पे है कि वो पूरी तरह से ऋषभ पंत को बैक करे। और गाइज इस चीज़ के सपोर्ट में आशीष नेहरा ने भी कहा कि मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि इंडियन टीम मैनेजमेंट, इंडियन कैप्टन जो है, इंडियन कोच है, वो सब मिल के ऋषभ पंत को बैक करे क्योंकि बहुत बड़ा खिलाड़ी और ये आपको हो सकता आने वाले मैचेस सिंगल हैंडेडली जिता सकता है। तो ऐसे में उन्होंने बैक किया और ये बोला कि ऋषभ पंत को बैक करने की ज़रूरत है ताकि वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बन सके इंडिया टीम के लिए। बढ़ते गाइस अब नेक्स्ट स्टोरी में, यहाँ पे ब्रेड हॉक के बारे में बात कर लेते, कैसे उन्होंने दिनेश कार्तिक को बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उनके सपोर्ट में आए हैं। तो गाइस आपको पता है रिसेंट टाइम्स में दिनेश कार्तिक को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था उनके कैप्टनशिप को लेके, ऐसी खबरें आ रही थी क्या हम योन मॉर्गन को देख सकते हैं एज कैप्टन ऑफ KKR। तो गाइस यहाँ पे ब्रेड हॉग ने सपोर्ट किया दिनेश कार्तिक को, उनका ये मानना है कि दिनेश कार्तिक को स्टिल कंटिन्यू करना चाहिए एज KKR कैप्टन। और उन्होंने बोला चाहे योन मॉर्गन टीम में हो चाहे ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टिल जो है दिनेश कार्तिक को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब गाइस उन्होंने इसके पीछे रीजंस दिए, जैसे उन्होंने रीज़न दिया कि आप देखो वो अपने बॉलर्स को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छा सेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बैटिंग लाइनअप में भी देखो तो आप वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वो मेंटेन करने की कोशिश रखते हैं, बैटिंग लाइनअप में चेंजेस करते हैं। तो उस तरह से पूरी टीम को जो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, प्लेयर्स कौन से आने चाहिए कौन से नहीं खेलने चाहिए बहुत तरह से वो सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर आप पूरा एकदम चेंज कर दोगे, कैप्टनशिप किसी और को दे दोगे तो पूरा टीम पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि जो दिनेश कार्तिक है वही कंटिन्यू करे एज KKR कैप्टन और स्टिल जो है दिनेश कार्तिक के अंदर में KKR अच्छा कर रही है। तो कुछ ऐसा कहना था ब्रेड हॉक का अबाउट दिनेश कार्तिक, उन्होंने तारीफ के पुल बांध दिए दिनेश कार्तिक और कंप्लीटली सपोर्ट किया इस चीज़ में कि उन्हें कैप्टनशिप में कंटिन्यू रखना चाहिए। बढ़ते गाइस अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, बात कर लेते अबू धाबी T10 लीग के बारे में। अब गाइस ये T10 लीग जो है बहुत ज़्यादा इस T10 लीग ने नाम कमाए स्टार्टिंग में, ये आपने देखा इसे बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ। तो ऐसे में गाइज आपको पता है कोविड के चलते हर चीज़ लेट हो गए थे, तो इस साल का डेट जो था इसका ये था नवंबर 19 से। बट गाइज यहाँ पे एक जो रीज़न निकल के आया कि ये इस साल पोस्टपोन्ड हो चुका है और आपको नेक्स्ट ईयर के जनवरी में देखने को मिलेगा, मतलब जनवरी 2021 में देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे गाइज बहुत शॉकिंग रीज़न है, मतलब कोविड तो एक रीज़न है ही, बट स्टिल गाइज यहाँ पे कोविड को एग्जैक्टली रीज़न नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला गया बिजी UAE कैलेंडर को। अब आपको पता है अबू धाबी में होते हैं मैचेस, तो ऐसे में आपको पता है कि नवंबर 10 तक तो जो है IPL के लिए
सिर्फ बुकिंग्स है। तो ऐसे में यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि इस साल का शेड्यूल बहुत बिजी होने के चलते T10 लीग को नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन हो गया है। तो अब जो है आपको T10 लीग अगले साल के जनवरी में देखने को मिलेगा। तो गाइस बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी में। अब बात कर लेते क्या अजिंक्य रहाणे को हम देख सकते हैं कोई दूसरी IPL की टीम में। अब गाइस अब आपको पता ही है कि कैसे अजिंक्य रहाणे को बिल्कुल मौके नहीं मिल रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलने के लिए, और ऐसे में कहीं ना कहीं सही भी, बिकॉज पृथ्वी शॉ और जो शिखर धवन है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं टीम के लिए। तो ऐसे में चांसेस नहीं है कि अजिंक्य रहाणे को मौका मिले कोई मैच खेलने के लिए जब तक कोई इंजरी या वैसा कोई कंसर्न नहीं आता है। तो गाइस यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे आपको पता है कि अटकलें लगाई जा रही है कि मिड सीजन ट्रांसफर में इस बार जो है BCCI ने एक रूल चेंज किया है, और मैं आपको बता दूँ अगर आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में जानना है तो एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी इसके बारे में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा, तो उसे प्लीज आप जाकर देख लो। तो उसमें मैंने डिस्कस किए रूल्स के बारे में। तो एक रूल ये है कि इस साल कैट प्लेयर्स भी जो है वो मिड सीजन ट्रांसफर के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ऐसे में अटकली थी कि अजिंक्य रहाणे क्या अपना टीम चेंज कर सकते हैं। तो गाइज इससे रिलेटेड हमें एक बहुत ही अच्छी अपडेट मिली है, और अपडेट ये आई है दिल्ली कैपिटल्स के ऑफिशियल की तरफ से, और उन्होंने ये साफ कर दिया कि ऐसी कोई भी थिंकिंग नहीं है अजिंक्य रहाणे की या फिर फ्रेंचाइजी की अजिंक्य रहाणे उन्हें ट्रांसफर करना है। अब गाइज इसमें क्या होता है कि अजिंक्य रहाणे को मौका नहीं मिला था, बहुत सारे ऐसे अटकलें लग रही थी, बट उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आप देखो अजिंक्य रहाणे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है टीम में, और टीम मैनेजमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा बिलीव करता है उनमें। ये जस्ट टाइम की बात है, क्योंकि आपको पता है दिनेश यहाँ पे जो है शिखर धवन ऑलरेडी है, पृथ्वी शॉ ऑलरेडी है, तो वो फर्स्ट चॉइस ओपनर्स थे, इसी के चलते जो है अजिंक्य रहाणे को मौका नहीं मिल रहा है। बट ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि लेटर हाफ में आप देखो अजिंक्य रहाणे को मौका मिले। तो कुछ इस तरह से उन्होंने सिचुएशन को स्टेट किया यहाँ पे, और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत अच्छे जो है रिश्ते हैं पूरे दिल्ली कैपिटल्स की टीम की और अजिंक्य रहाणे के, तो कोई तरह से भी चांसेस नहीं बनते हैं कि आप अजिंक्य रहाणे को देखोगे मिड सीजन ट्रांसफर में और वो कोई दूसरी IPL फ्रेंचाइजी के लिए खेले। तो दोस्तों यही तक था हमारे वीडियो, आशा करता हूँ पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो और अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं आप सबने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।